जमात इस्लामी के फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है। रैली में तालिब इल्मों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। तफसीलात क्या है जानते हैं मलिक सईद से। रैली जारी है दहरी और फलस्तीन पर हमले आज भी जारी है और सैकड़ों नहीं लाखों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि पूरे इस्लाम में सिर्फ आवाज उठाई जा रही है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से आज बरोजुमा जो है वो एहतजाज मुनक़द किया जा रहा है और इस हवाले से इस्लामाबाद में आज एक रैली मुनक़द की जा रही है। और इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुश्ताक अहमद। सर ये बताइएगा कि आप क्या कहते हैं। ये रफा बचाओ, रफा ऑपरेशन बंद कराओ, गज़ा बचाओ हमारा धरना है और ये रैली भी उसी सिलसिले में है और ये सेव गज़ा जो कि एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ है। तमाम सियासी जमातों, समाजी तंजीमों, शख्सियात सब के लिए खुला है। तलबा तालिबात, नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए हमारा एक ही मुतालबा है हुकूमत से कि हुकूमत पाकिस्तान इंटरव्यू करें। 15 लाख लोग मौत के दहाने पर हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा कहती है 6 लाख बच्चे, वो 6 लाख बच्चे इस वक्त भूख से मौत के दहाने पर हैं। बिल्कुल कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान मुदाखलत करे और 40,000 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि फलस्तीनियों को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा और सिर्फ गजा तहरीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।